हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल. दिस इज मन्ना एंड RRBPO रिलीज्ड इट्स स्कोर कार्ड एंड होप सो आपके स्कोर आपने देख लिए होंगे. प्लीज़ मैं वीडियो बना रही हूँ, आप अपना स्कोर भी शेयर कीजिएगा विद योर कैटेगरी एंड सीट. ओके, सो बाकी मैं कमेंट्स कम ही देखती हूँ, बट ठीक है, तो फिर भी थोड़ा एक आइडिया हो जाएगा कौन से सीट से कहाँ से कितनी कट ऑफ गई है. और मेरा अगर बात करती हूँ तो मुझे अभी कमेंट्स में पता लगा, देखो मैम कैन यू प्लीज़ शेयर योर स्कोर कार्ड, आपके कितने स्कोर आए RRBPO में एंड सो ऑन. मैंने काफ़ी मैसेज ऐसे देखे, तो मेरे पास इवनिंग में फ़ोन जनरली कम रहता है, आई वॉज़ बिजी. सो मैंने अभी देखा तो मुझे पता लगा ओके स्कोर कार्ड आ गया है. सो मैंने अपना चेक किया एंड हेयर यू कैन सी माय मार्क्स इन रीजनिंग. आई अटेम्प्टेड 39 एंड आई गॉट 36.50. सिंपल सी चीज है, दो क्वेश्चन गलत हुए होंगे तो मेरे 2.5 नंबर कट हो गए. अब बात करते हैं मैथ्स की. मैथ्स में आई टोटली अटेम्प्टेड 20 क्वेश्चंस एंड आई गॉट 15.50 मार्क्स. ओके, 15.50 किसी भी एंगल से मेरे नहीं बन रहे हैं और हमारी इजिएस्ट वन थी. तो मेरे पास और भी व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेजेस आए हुए थे, तो ऐसा जनरली आ रहा है सुनने में कि फर्स्ट डे की फर्स्ट शिफ्ट और लास्ट डे की लास्ट शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन हुआ है, शायद ऐसा ही कुछ बोल रहे हैं. ओके, और मैथ्स में ही सुनने को मिल रहा है. सो ये मेरा स्कोर रहा. अब मैं बात करती हूँ कि जैसे आपको पता है टेक्निकल इशू मेरे साथ हुआ था, मैं 2.75 मार्क्स से रही हूँ कट ऑफ में, तो इतना तो नहीं है. एटलीस्ट जो सेल्फ डाउट मन में आ रहा था, तो वो सेल्फ डाउट तो मेरा क्लियर हो गया है कि तुम्हारा तुम्हारी तैयारी अच्छी थी. अगर 3-4 क्वेश्चन और वो अगर टेक्निकल ग्लिच नहीं होता, ना माइंड डिस्टर्ब नहीं होता, तो तुम कर लेती. सो वो सेल्फ डाउट मेरा ख़त्म हो गया. इस स्कोर कार्ड के पीछे का यही पर्पज़ है कि तैयारी अच्छी है, इतनी भी बुरी नहीं है. मतलब अगर मैं 70-80 मॉक देकर जा रही हूँ, तो वो 70-80 मॉक्स के पीछे कहीं तो मेहनत है ही ना. सो इट्स ओके, आई एम एक्सेप्टिंग दिस. और कहीं अगर मेरी गलत कमियां रही हैं तो मैं उस चीज़ को सुधारूंगी. मैं और ज़्यादा जो हार्ड वन साइड लेवल के मॉक्स हैं, मैं उनको और ट्राई करूंगी कि कितना भी हार्ड हो सकता है पेपर, ये बस थोड़ा सा सोचकर चलूंगी. एंड IBPSPO में वेल प्रिपेयर करते हैं एंड प्लीज़ योर शेयर योर स्कोर. जैसे मैंने बता दिया 59 मेरे अटैम्प्ट थे, आप सभी को मैं बता देती हूँ. एंड प्लीज़ शेयर योर. एक चीज़ और मैं क्लियर कर देती हूँ, ये जो बना हुआ है एक्यूरेसी का नॉर्मलाइजेशन पे फ़र्क पड़ता है ये सो ऑन. आप प्लीज़ पढ़े लिखे लोग हो, बैंकिंग में एज अ ऑफिस सर के एग्जाम दे रहे हो, जाकर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला चेक करो. वहां पर एक्यूरेसी का कहीं कुछ भी मेंशन नहीं है. सो एक्यूरेसी और नॉर्मलाइजेशन का कोई लिंक नहीं होता है. लिंक होता है आपके स्कोर कार्ड में. मान लो मेरी एक्यूरेसी बिगड़ी भी होगी, एक चीज के लिए मैं पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ, मेरी मैथ्स में एक्यूरेसी खराब हो गई, तो सीधी सी बात है ना, मेरे मार्क्स कम हो गए. और अब मैं क्या कहूँगी, अरे अरे मेरे तो नॉर्मलाइजेशन में इतने इतने नंबर काट लिए गए. तो वो थोड़ा सा मिथ क्रिएट हो जाता है, वो मिथ बना हुआ है. और एक्यूरेसी नॉर्मलाइजेशन जैसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि मुझे कुछ फ्रेंड्स ने बोला IBPS क्लर्क में, जैसे मैंने रीजनिंग इंग्लिश में 5 नंबर का जो आपका पैराजम्बल होता है उसमें मैंने वो गलत कर दिया, लास्ट के दो सेंटेंस बीच के दो सेंटेंस को लास्ट में रख दिया, ऐसा हुआ है मेरे साथ. मैं वो चीज़ एक्सेप्ट कर रही हूँ. तो उसमें क्या हुआ, 5 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं, 3 गलत हो रहे हैं. तो सीधी सी बात है 0.75 मार्क्स कट हो रहे हैं, लेकिन 1.25 मेरे पास पॉजिटिव आ रहे हैं ना. और नॉर्मलाइजेशन का एक्यूरेसी का नॉर्मलाइजेशन पर कोई फ़र्क पड़ता नहीं है. नॉर्मलाइजेशन मेरी शिफ्ट में होगा तब भी वो 1.25 मेरे प्लस पॉइंट है. वो मुझे माइनस जब करेंगे नॉर्मलाइजेशन में, तो मेरी हेल्प ही करेगा मार्क्स को ऊपर रखने में. इस चीज़ को समझो, ठीक है. कहीं ना कहीं आपका 50-50 चांसेस भी रहते हैं, पहले भी ये चलता आया, बट अब लोग ज़्यादा समझदार हो गए हैं. ओके, सो बट एक्यूरेसी देखो मेंटेन तो करनी चाहिए, दैट्स अ गुड कि आप एटलीस्ट जितने अटैम्प्ट करके आ रहे हो आपको उनके ऊपर 100% कॉन्फिडेंस हो. ऐसा नहीं हो कि तुक्के मार के आ रहे हो बिल्कुल हड़बड़ी में. कुछ जानबूझकर ऐसा होता है ना कि एक तो होता है तुक्के मारना, वो मत मारो. बस सिंपल एक्यूरेसी का मीनिंग ये होता है. हड़बड़ी में या जो भी आपसे हो गया, अरे भाई सबसे हो जाता है, बड़े बड़े टीचर से हो जाता है, इतनी इस चीज़ की टेंशन मत लो. हवाइयाँ लोग बना रहे हैं, इस चीज़ को इतनी टेंशन मत लो, माइंड पे मत लो इतनी ज़्यादा. ओके, एंड जस्ट बी काम डाउन एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम. यही कहूँगी, पॉजिटिव जितना रहोगे रिजल्ट उतने पॉजिटिव मिलेंगे. साला एक एग्ज़ाम ही है, कौन सा ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, हो जाएगा भाई. ओके, और बाकी तो देखो क्या ही कहूँ इसके अलावा. खुद आप ज़िंदगी में अपने समझदार हो, ठीक है. मुझसे कुछ बड़े भी हैं यहाँ पर, छोटे भी हैं, सभी को यही कहूँगी, आप अपना भला खुद स्वयं जानते हो. हमसे भला हमसे ज़्यादा कोई भी दूसरा नहीं जानता है हमारा, क्योंकि हम कितने पाने में हम जानते हैं. सो बिलीव इन योर सेल्फ. और वही बात है, जो भगवान को अच्छा लगे वो कर्म करो, भगवान आपके साथ हमेशा अच्छा ही करेगा. ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट. एंड प्लीज़ शेयर योर मार्क्स ऑल्सो.